आज तुझे तंग देखे तुझसे अधिक पीड़ा तेरी मैया को हो रही है। आपको दंड दे दिया है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। देखो तो कितना श्वेत भैरो है। अब बहुत हो गया, मैं खोल रही हूँ उसे जाके। ठहरो संकरी, जसोदा के पीठ पीछे दंड को पलटना उचित ना होगो। जिसने दंड दिया है क्षमा करने का अधिकार भी उसी का है। तो मौसी, जे सब का आरंभ हमने किया है तो अंत भी हम ही करेंगे। भाभी द्वार खोलो। जीजी द्वार खोलो। द्वार खोलिए जसोदा जी, बस अब बहुत हो गो। हमने काना की चुगली लगाई थी ना, अब हम ही शिकायत वापस ले रही है। भूल मेरी, मैंने इन सब की बात पहले ना सुनी, जिसके कारण काना का साहस बढ़ता चला गया और इन सबको माखन और मटकी की हानि होती चली गई। हम अपनी शिकायत वापस ले रहे भाभी, खोल दो ना उसे। हाँ जीजी, अब बहुत हो गो, अब और दंड की आवश्यकता ना है। ना, मेरे कान्हा के कारण इन सबको जो हानि सहनी पड़ी है, मैं उसकी भरपाई करूंगी। कम से कम उस देर के लिए तो मैया का ध्यान भटका, अब मेरे दंड के कारण वो स्वयं को कष्ट नहीं देगी। सारी भरपाई कर दूंगी पर किसी की हानि ना होने दूंगी, कोई रिक्त हाथ ना जाएगा आज। जसोदा जी, जी, द्वार खोलिए जसोदा जी, बस अब बहुत हो गो। हमने काना की चुगली लगाई थी ना, अब हम ही शिकायत वापस ले रही है। हाँ, हम अपनी शिकायत वापस ले रहे भाभी, खोल दो ना उसे। हाँ जी जी, अब बहुत हो गो, अब और दंड की आवश्यकता ना है। भाभी बस कर दो, अब खोल दो काना को। जीजी, जीजी द्वार खोलो। जीजी, जशोदा जी, मुझे पता है तुम सबको क्या चाहिए। भीतर आओ। जी जसोदा कर क्या रही है? श्री हरि, नारायण हरि। ये कैसा खेल रच रहे हैं प्रभु? आज तो बहुत प्रसन्न होंगी ना तुम सब। देर लगी पर जसोदा जी के सामने सत्य आ ही गया। जे जसोदा झूठी और तुम सब सच्ची सिद्ध हो गई। अब तो जसोदा जी को मानना ही पड़ेगा कि उनका कान्हा सच्ची में माखन। तो
तुम सब के मन में क्या है भली भांति जानती हूं मैं। बहुत हानि की है ना तुम सबके कान्हा ने, जे रही उसकी भरपाई। बस अब तुम सब मुझे और मेरे कान्हा को क्षमा कर देना। ले सुमति। ना जीजी, जे तो ना ना रख ले। वैसे तो उसे इतना कड़ा दंड दियो है ना कि आगे से ऐसा कोई कार्य ना करेगो, पर यदि करो ना तो जे चांदी की मटकी है जे टूटेगी ना। लो सुलक्षणा। ना जशोदा जी, जे भरपाई ना चाहिए हमें। हम तो बस इतना चाहते हैं कि आप जाओ और कान्हा को खोल दे। ले, अरे ले। ना भाभी, हमें ये सब ना चाहिए। हम यहाँ किसी हानि की भरपाई के लिए थोड़ी ना आए हैं। हम तो यहाँ बस ये कहने आए हैं कि आप कान्हा को छोड़ दीजिए ना वहां से। ले जाके भाभी। भाभी, सच्ची बात तो ये है कि उससे अधिक पीड़ा आपको हो रही है और हम सबको ये बात पता है। तो फिर क्यों भाभी, क्यों उसे इतनी धूप में बांध रखा है आपने? यदि कान्हा ने इससे अधिक माखन खाया हो तो बता देना, और दे दूंगी मैं। जितना चाहिए उतना ले जाना। न छुपा सके है, बांधा तो इसने अपने लल्ला को है, पर बंधा है इसका हृदय अपने कान्हा से, और उसकी तड़प अभी भी अपने हृदय में यहां पर महसूस कर रही है। कितना सारा भार ढो रहे हैं ये, फिर भी कितनी सरलता से चल रहे हैं। दामोदर कृष्ण का ये दृश्य ये सिद्ध करता है कि जब व्यक्ति का ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो तो दुर्भाग्य का भार कितना भी क्यों ना हो, उसके पाव की बेड़ी नहीं बन सकता। तो ये शिक्षा दे रहे हैं प्रभु, व्यक्ति के कंधे चाहे अतीत के कष्टों तले करा रहे हो या दायित्व के भार तले दबे जा रहे हो, उसे सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। यदि कोई ऐसा करने में सफल हो जाए तो कुछ समय बाद उसे अपने भार का अनुभव ही नहीं होगा। उसका आत्मविश्वास और शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि वो स्वयं ही अपने मार्ग में आने वाले अन्य कष्टों का सामना करने में समर्थ हो जाएगा और अंत में अपना उद्देश्य पाने में सफल हो पाएगा। बस कर जशोदा, तुझे क्या लगता है कि हमें ना पता है कि तू क्या चाहती है? तू चाहती है कि अभी दौड़ के जाए और उसे खोल दे, तो क्यों रोक रही है अपने आप को? हाँ जशोदा जी, आप ना चाहोगी तो मैं स्वयं जाके खोल दूंगी। ना, मैंने बांधो है ना तो मैं ही खोलूंगी। श्री हरि नारायण हरि श्री हरि नारायण हरि। क्या हुआ नलकुवर, कहाँ खो गए मनीकरी?
पहचाना नहीं क्या? मैं वही हूँ जिसका नाम तुम दोनों युगो से जप रहे थे। नारायण हरि, श्री हरि। प्रभु वसुदेवसुतं देवं हंसचाणूरमर्दनम् प्रभु, आपने हम पापी भाइयों को दर्शन देकर हमारा उद्धार कर दिया। प्रभु, हम हैं तो श्री कुबेर देव के पुत्र, किंतु हम इतने सौभाग्य के योग्य नहीं हैं। हमसे घोर पाप हुआ था प्रभु। अद्भुत अद्भुत आनंद है इस वारुणी में। लड्डू लूना। श्री हरे नारायण हरे, श्री हरे नारायण हरे। क्या हुआ, तुम रोक रुक क्यों गए? लगता है इन्हें आनंद चखाना पड़ेगा। नलकुवर, कुबेर के पुत्र हैं हम, ये जो भी हो हमें क्या। श्री हरे नारायण हरे, नारायण हरे, श्री हरे नारायण हरे। नलकुवर, मणिग्रीव बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या, या फिर इतने उन्मत्त हो गए हो कि तुम्हें ये बात का भी ध्यान नहीं है कि पूरी तरह नग्न हो? हाँ, है तो तुम दोनों को तनिक लज्जा भी नहीं है। उन्मत्त हाथियों की तरह जल क्रीड़ा कर रहे हो। ये भी भूल गए तुम कि श्री कैलाश से बहने वाली पवित्र माँ मंदाकिनी की गरिमा और मर्यादा को भंग कर रहे हो। ऐसी कौन सी मर्यादा भंग कर दी हमने देवऋषि? तो आप चाहते हैं कि हम लज्जित हो, पर किस लिए देवऋषि? केवल इसलिए कि हमें सुंदर और बलिष्ठ धन प्राप्त हुआ है, या फिर इसलिए कि हमारे पास अथाह धन है, सुख सुविधा का साधन है, जिससे आप वंचित हैं देवऋषि? इन तामसिक विचारों पर और इस दुष्कृत्य पर लज्जा आनी चाहिए तुम दोनों को। लज्जा आनी चाहिए अपने अभिमान पर। तुम दोनों का जन्म कुबेर के वंश में इसलिए नहीं हुआ कि अपना जीवन मदिरा और भोग विलास में व्यर्थ कर दो। यदि तुम्हें इस जीवन का सौभाग्य मिला है तो इसलिए, ताकि तुम कुछ परोपकार कर पाओ, समाज का, विश्व का कल्याण कर पाओ। अरे देव ऋषि, हम कल्याण ही तो कर रहे हैं यहाँ पे। इन स्त्रियों का, इस मदिरा का और इस जीवन का। जड़ बुद्धि और अहंकारी हो तुम दोनों। तुमसे श्रेष्ठ तो वृक्ष हैं, जो नग्न होकर भी अपने जीवन को विश्व कल्याण के लिए अर्पित करते हैं। अब हम आपको कैसे समझाएं ऋषि कि हम वृक्ष नहीं हैं? तो आज से अगले 100 देव वर्षों तक तुम दोनों वृक्ष बनकर ही जियोगे, ताकि इस अवधि में तुम श्री नारायण की कृपा से अपने वातावरण के प्रति सम्मान प्रकट करना सीख पाओ। ये मेरा श्राप है तुम्हें, ये मेरा श्राप है तुम्हें, ये मेरा श्राप है तुम्हें। देवऋषि, 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 क्षमा करें देवऋषि। श्री हरे नारायण हरे, श्री हरे नारायण हरे। कृपा श्री हरे नारायण, श्री हरे कृपा श्री हरे नारायण, श्री हरे। हमने तो देवऋषि नारद का अपमान किया था। हम तो इस योग्य भी नहीं थे प्रभु कि हमें आपके साक्षात दर्शन के सहयोग के मिले। प्रभु, आपकी लीला, आपका बचपन, आपका हंसना, रोना, रूठना, आपके नन्हे नन्हे पांव का पहला पग रखना, आपके श्री मुख से पहला स्वर सुनना, हम इन सबके सौभाग्य प्राप्त हुआ प्रभु। हम तो इसके अधिकारी भी नहीं थे, हमसे घोर पाप हुआ था, देव ऋषि नारद के श्राप के योग्य थे। फिर हमने ऐसे कौन से पुण्य के कर्म किए थे जो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ प्रभु? अविश्वसनीय है पर सत्य है, श्राप के रूप में एक सोचा समझा आशीर्वाद ही था ये, ताकि तुम दोनों
उन विकारों से मुक्त हो पाओ जिनके उन्माद में तुम खो गए थे। एक बार सूर्य से साक्षात्कार हो जाए तो फिर किसी की आंखों में अंधकार वास नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार जब किसी को ऐसे सद्भक्त से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए जो अपने आराध्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो, तो फिर वो भाग्यशाली सांसारिक वस्तुओं के आकर्षण से या किसी भी प्रकार के अन्य विकारों से ग्रस्त नहीं रह सकता। तुम दोनों भी मुनि नारद के आशीर्वाद के कारण अपने सभी विकारों से मुक्त हो चुके हो। अब तुम स्वर्ग लोक लौट सकते हो। नहीं श्री हरि, हम यही रहना चाहते हैं गोकुल में, आपकी भक्ति की छत्र छाया में प्रभु। पर शीघ्र ही मैं सेम्बिया नहीं रहूंगा, इसीलिए अब तुम भी जाओ और अपने कर्तव्य का पालन करो। मेरी भक्ति की इच्छा तुम्हारे हृदय में जाग चुकी है, अब कभी भी तुम अपने पद से नहीं भटकोगे। आप धन्य हैं श्री कृष्ण, आप धन्य हैं नारायण, आप धन्य हैं श्री कृष्ण, आप धन्य हैं नारायण। काना कहाँ गया? ओह, मैंने ये तो सोचा ही नहीं कि ये सब देखकर मैया क्या सोचेगी। काना! 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 काना तू ठीक तो है ना? हाँ लल्ला, तुझे कुछ हुआ तो ना ना? हाँ लल्ला बता, तू ठीक तो है ना? काना! काना, क्या होगा? मैंने इसे ओखल से बांधा था जी, दंड देने के लिए। पता जाने कैसे जी बड़े बड़े वृक्ष गिर गए, इसे कछु हो जाता तो। काना, तुझे कहीं चोट तो ना लगी? हाँ, पीड़ा हो रही है? नहीं बाबा, मैं ठीक हूँ। भैया मुझे कछु ना हुआ, चिंता मत करो। हुआ कैसे ना है, जे देख तेरे पेट पे इतने बड़े बड़े चिन्ह बन गए। मुझे क्षमा कर दे लल्ला, अरे तुझे इतना कड़ा दंड देती हो। बोल अपनी भैया क्षमा करेगा ना? आप मेरा हित चाहते हो ना, इसलिए आपने मुझे दंड सिख देने के लिए दिया था ना। वैसे मैया का दंड आशीर्वाद जैसा ही होता है, तभी तो देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गाना सही कह रहे हो जसोदा, जे तेरे दंड के चिन्ह है, जे तो तेरी सीख के प्रतीक है। मैं तो कहता हूँ हाथ से हर मैया को अपने लल्ला के उदर पे दाम के चिन्ह बनाने चाहिए, ताकि उनकी सीख सदैव उनकी लल्ला के साथ रहे और उसे स्मरण कराती रहेगी। अब से वह कुछ अनुचित करेगा ना ही उसके साथ कछु अनुचित होगा। एक बार के दंड में इतना सयाना हो गया तू? मुझे पता होता तो तुझे पहले ही दंड दे देते। और मुझे पता हो तो कि बाद में आप मुझे इतना प्रेम करोगी तो मैं पहले ही डर ले लेता हूँ। पर जे इतने विशाल और बलशाली वृक्ष अपने आप गिरे कैसे? बाबा, गोकुल के आसपास के स्थानों पर तीव्र गति से सूखा फैल रहा है।
कहीं इसी कारण तो ना गिरा ये सूखा। आज तो बाबा ने बचा लिया, नहीं तो आप मैया को क्या उत्तर देते प्रभु कि कैसे पहुँचे यहाँ और कैसे गिरे ये वृक्ष। मैं तो बच गया मुरली, पर गोकुलवासी कैसे बचेंगे? बहुत बड़ा संकट आ गया है इनके सामने। गोकुल के आसपास के स्थानों में गांव में सूखा पड़ गया और गोकुल पर भी इसको प्रभाव दिखने लगो। वैसे इतनी चिंता करने की आवश्यकता भी ना है, अभी कुछ माह के लिए हमारे पास साधन उपलब्ध है। हाँ, आप सबको चिंता करने की कोई आवश्यकता ना है, मैं और उपनंद भैया मिलकर कोई ना कोई उपाय अवश्य निकाल लेंगे। समाधान के लिए बाबा को आपकी आवश्यकता पड़ेगी ताऊ जी, और उनके लिए आपको गोकुल के बाहर जाना पड़ेगा, उत्तर दिशा की ओर। काला ने ये सब कुछ सच में कहा? ये सब मेरा भ्रम था। हम चलते हैं जशोदा। नारायण नारायण नारायण। हाँ जी जी, हम भी चलते हैं। अरे तुम सब कहाँ चल दी? अपनी माखन की मटकियाँ तो ले लो। नाना जी जी, उसकी आवश्यकता ना है। अरे मैया दे रही है तो ले लो, समझ रहे ना, श्री नारायण का प्रसाद है और प्रसाद को ना थोड़ी कहते हैं। चल आज जितना सोचा था ये तो उससे भी कहीं अधिक गंभीर समस्या। सबको आश्वासन तो दे दियो, पर इस सूखे का हम क्या समाधान निकालेंगे? आपको गोकुल से बाहर जाना पड़ेगा, उत्तर दिशा की ओर। दिखा लेना, दिखा कहाँ पीड़ा हो रही, यहाँ लगी तो यहाँ तो यहाँ लगी है, इधर आ। अच्छा काना ठीक है जीजी, बता अपनी मैया को कहाँ पीड़ा हो रही है। मैया कहीं पीड़ा ना हो रही है, जे ही बात ये चौथी बार बोल रहे है। ऐसे थोड़ी ना मानेगी जसोदा जी, एक बार में विश्वास ना हो तो इन्हें, बात कान्हा की हो तो। वैसे ये बात सही है का कि माखन चुराने वाली बात तो आसानी से ना मानी थी। स्मरण है जी जी, का कही थी, मेरा लल्ला भला माखन क्यों चुराओगे, मेरे घर क्या माखन की कमी है? हाँ तुम सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या, मेरे निर्दोष काना पे इतना बड़ा आरोप लगा रही हो? चलते हैं जीजी। नारायण नारायण। शांति क्या हो गो? आज दो मटकी भरने में इतना थक गई? आके तनिक देखो जरा, कितने नीचे चलो गए हो जल, यही दशा रही ना, कछु दिन बाद पाताल में जाके मटकी भरनी पड़ेगी। प्रभु क्या देख रहे हैं? मैया सदैव की तरह रसोई घर में ही व्यस्त है मुरली। अभी तक उसके पेट पे बनो चिन्ह गयो ना है, पूरी रात सो तक ना पाई मैं, बस अपने हृदय से लगा के लेटी रही। कान्हा भी क्या सोचता होगा, कैसी मैया है, पहले दंड देती है फिर झूठ मूठ का प्रेम का दिखावा करती है। सखाओ ने तो कही थी कि जितना कड़ा दंड मिलता है
उत्ता आदि के प्रेम मिलतो है, कड़ा धन तो मिलेगो पर ढेर सारा प्रेम तो ना मिला। मुरली मन तो कर रो है कि उसे ढेर सारा प्रेम करो, इतना सारा कि मेरे दिए दंड की स्मृति मिट जाए। पर अभी दुलार दिखाने लगी ना, वो मेरे दिए दंड का कछु प्रभाव ही ना पड़ेगा, है कि ना? जे तो बिल्कुल सही कह रही हो। मैं ना ऐसा करूंगी, बस चुपचाप जे मेवे देके लौट आऊंगी। पर वो मेवे तो मेरे लिए थे। मुरली मैया आ रही है, बहुत भूख लगी होगी ना, ले थोड़े मेवे खा ले। अच्छा रुक, मैं ही खिला देती हूँ। प्रेम है तेरा ऐसा निराला, विवश हो कर आए जगपाला। अरे तू क्यों कष्ट कर रहा है, तेरी मैया है ना, तुझे कष्ट करने की कोई आवश्यकता ना है। इधर आ, आ मेरे पास। मेरा लल्ला है ना, मेरा प्यारा, मेरा दुलारा। ले ले खा, ले। अभी तो कह रही थी कि मैं तनिक भी दुलार ना करूंगी, और अब देखो कैसे प्रेम उमड़ रहा है, रहा नहीं जा रहा। ऐसी होती है मैया, ममता का साक्षात स्वरूप। पता है मेवे के साथ गरम गरम दूध पीने से बहुत शक्ति मिलती है, अपने हाथों से पिलाऊंगी तुझे। यशोमती मैया के ऐसे सखा, दंड के बाद प्रेम भी ढेर साला मिलता है, असीमित अथा। गाना शीघ्र चल, बहुत ही रोचक खेल ढूंढो है बलराम ने। चिंता मत ही करियो, तेरी मैया है ना, मैं ले जाऊंगी तुझे खेल के मैदान तक। खड़ा हो जा। मासी सहायता करो ना, मैया को समझाओ खेल के मैदान में क्या करेगी ये। जसोदा तू कहाँ चली बच्चे के साथ खेलने, चल। और ये नहीं, कान्हा के दोनों और दो बड़े बड़े वृक्ष गिरे हुए थे। बहुत साहसी है कान्हा। अच्छे से ढक ले लल्ला, ना तो धूप लग जाएगी। काना तुझे चोट लग गई क्या? ना तो फिर ताई जी ने तुझे गोद में क्यों उठाया हुआ है? अरे मेरा काना अभी छोटा सा है, नन्हा है, कोमल है, इतनी कड़ी धूप में इतनी दूर चल के आएगो थक ना जाएगो। बलराम तेरी कथा सुन के तो लगा था कि काना वीर है, काना साहसी है, पर जे तो मैया की गोद में बैठो है। मैया देखो ना, सब उपहास उड़ा रहे हैं, अब तो नीचे उतार दो। आजा। अब बताओ कौन सा नया खेल खेलेंगे आज? वो खिलौना देख रहे हो? उछल के लपकनो है, जिसको जो मिलेगा वो उसका। देख का प्यास करूंगा। बहुत प्रिय है मुझे मैया। रुक जा काना, तू क्यों कष्ट करेगा, तेरी मैया है ना।
क्या चाहते हो तुम सब? जो उछल उछल के स्वयं खिलौने तोड़े? बालक ठीक कह रहे हैं जसोदा, पर मौसी जे काना उछल उछल के कैसे तोड़ेगो, कैसे लपकेगो खिलौने पे? तुझे क्या लगता है जसोदा, तू मुझे ना कहेगी तो मौसी को कछु पता ही ना चलोगो? हाँ, सच तो ये है जसोदा, तेरे मन में भय है कि इतना दर्द देने के बाद तू काना को भरपूर प्रेम ना दे पाई तो जेतो से दूर चला जाओगो ना। जसोदा, अति किसी भी वस्तु की क्यों ना हो, सदैव पूरी होवे है। इसी तरह तेरा जे अति का प्रेम तेरे दंड से ज्यादा घातक सिद्ध हो सके है इस बालक के लिए। तेरे काना के सहज विकास में बाधा बन सकता है, तू ये तो ना चाहेगी ना? ना मौसी, मैं काना की दुर्बलता ना शक्ति बनना चाहती। काना दे मोड़ दे। आजा काना, दिखा दे इन सबको यशोमती मैया का नंदलाला क्या कर सकता है। तो है करना होगा जो मैं माखन चोरी में करता था। बालकों के साथ खेल के होगो तो अब चले जसोदा जी। कहाँ? वहीं जहाँ हम सदैव जाते हैं स्नान के लिए, आपके प्रिय स्नान कुंड पे। अच्छा हुआ जसोदा तो यहीं मिल गई। हाँ, हम तेरे पास ही आ रहे थे, अब मना मत करियो। मना क्यों करूंगी भला, बल्कि मैं तो ये कह रही थी कि पूर्णा मौसी भी आई हुई है, इन्हें भी साथ ले चलते। पूर्णा मौसी? हाँ चलो। ध्यान रखियो लल्ला। आप चिंता मत करो मैया, आप निश्चिंत होके जाओ, मैं यही मिलूंगा, कोई शरारत भी ना करूंगा। अब जे बता कि दोनों वृक्ष गिरने के पीछे वास्तविक कथा क्या है, और सच्ची सच्ची बताइयो। अच्छा अच्छा ठीक है, विस्तार से बताता हूँ। नारायण, यहाँ के सब इतनी प्रसन्न हो गई जैसे इस कुंड में कोई विशेष बात हो। मेरी मैया को बात प्रिय है या गुड़? जो भी इस कुंड में स्नान करेगा
उससे ममता का सुख और सौभाग्य अवश्य मिलेगा। तब तो इसका नाम जसोदा कुल होना चाहिए। पूर्णा मौसी क्या होगो? कहाँ खो गई मौसी? कहीं जीजी भी तो वही ना सोच रही जो मैं सोच रही हूँ। तुम सब ने देखा ना कि कुंड का जलस्तर कितना नीचे चला गया है। केवल कुंड ही ना, गांव के कुओं में भी जलस्तर नीचे उतर गया है। सारे कुंड कुओं और जलाशयों की ही दशा है नंदराज। स्थिति नियंत्रण से बाहर जाने में अधिक समय ना लगेगा। हमें कोई योजना कोई उपाय निकालना ही होगा। उपनंद भैया कहाँ रह गए? उन्हें मेरे साथ जांच करने जाना था कि जल अब कितना शेष। मैं उनके घर से ही होकर आ रहा हूँ नंदराज, वहां पर भी ना थे वो। समाधान के लिए बाबा को आपकी आवश्यकता पड़ेगी। ताऊ जी आपको गोकुल से बाहर जाना पड़ेगा, उत्तर दिशा की ओर। जाने कान्हा ने कही थी कि ना, परंतु ऐसा लगो जैसे साक्षात प्रभु नारायण ने ही संकेत दी हो। जांच पड़ताल तो करनी ही चाहिए। चारा सीमित है महाराज, यदि शेष भी बांट दियो तुम्हारी गायों को कम पड़ जाएगो। आप रहने दो नंदराज, हम कैसे ना कैसे संभाल लेंगे। जब संभालना होगा ना भानु, तो हम सब मिलकर संभाल लेंगे। अभी तुम ले जाओ। कुछ भी करना पड़े, कैसे भी करना पड़े नंदराज, कम खा लेंगे कम पी लेंगे, बस गांव ना छोड़ना पड़े। आपके मन की बात इसके मुंह से निकल गई महाराज, कुछ भी हो जाए घर नहीं छोड़ेंगे। हाँ। बसा बसाया घर क्यों छोड़ के जाना पड़ेगा? अरे नारायण की बहुत कृपा है हम पर, ऐसा कछु ना होगा। हाँ नहीं तो। सच्ची कहूँ जसोदा जी, चिंता तो आपको भी है, तभी तो अपना ध्यान भटकाने के लिए चित्रकारी करने बैठ गई हो आप। ऐसा ना है, मैं तो बस अपना घर सजा रही हूँ, कुछ ही सप्ताह में त्योहार आने वाले हैं। अब तो उस सप्ताह का समय भी शेष नहीं है मैया। पर प्रभु गोकुल छोड़ने के लिए तो कोई भी तैयार नहीं है, तो फिर सबको कैसे मनाएंगे आप? जानकी कर दी ना गड़बड़, सुधार देती हूँ अभी। ना ना ना, कछु आवश्यकता ना है, तेरे सुधारने के चक्कर में मेरे घर की दीवार और बिगड़ जाएगी। बैठ जा। भाभी मैं प्रयास करूं? मेरे घर की दीवारों ने तुम दोनों का कुछ बिगाड़ो है क्या? तो सारी प्रयोग मेरे ही घर की दीवार पे क्यों कर रही हो? जो रंग बचेगा ना ले जाइयो, और अपने घर की दीवारों पे अपनी सारी इच्छा पूरी करना बस। मैया कितने प्रेम भाव से घर को सजाने में लगी है, किंतु जब उन्हें यहाँ सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा तब उनके ऊपर क्या बीतेगी?
सच्ची में कलाकार हूँ आप जसोदा जी? तभी तो कान्हा भी आपके पद चिन्हों पे चलने का प्रयास कर रहे है। जानकी, इसे रंग दे दे। भाभी, आपने हमें तो प्रयास भी ना करने दियो और इसे सीधा रंग दे रही हो, जिसे ठीक से तुलिका भी पकड़नी ना आती। जानकी, इसे रंग दे दे। भाभी, आपने हमें तो प्रयास भी ना करने दियो और इसे सीधा रंग दे रही हो, जिसे ठीक से तुलिका भी पकड़नी ना आती। सजा दे लल्ला, बना। सच्ची मैया? और इसने कछु गड़बड़ कर दी तो? क्यों करेगो गड़बड़? लल्ला, तूने सुनी ना सुलक्षणा चाची क्या कह रही है? कि मैं बहुत बड़ी कलाकार हूँ और तू मेरा लल्ला है, तू भी बहुत अच्छी चित्रकारी करेगा, कर। जसोदा जी, इसने तो रचना ही बिगाड़ दी। फूल से होगो मैया। अब भाभी तुझे और चित्रकारी ना करने देंगे गाना। इन्हें अपने घर की दीवारों से बहुत प्रेम है। घर की दीवारों से ही क्यों? छत से, आंगन से, इस घर के चप्पे चप्पे से प्रेम है मुझे। ये घर केवल ईंट पत्थर से ना बना जानकी, इसने पूरा जीवन जियो है मेरे साथ। सुख दुख, धूप छाओ, सब बांटो है इसने। मेरे मन की हर प्रसन्नता, मेरी आंखों के प्रत्येक आंसू का साक्षी रहो है जी। जे कोई निर्जीव घर ना है, ये तो मेरी आत्मा का भाग है। मैंने आपकी सजावट बिगाड़ दी, क्षमा कर दो मैया। क्षमा क्यों करूं? उसकी आवश्यकता ही ना है। तूने तो और सुंदर बना दियो। अच्छा भाभी, हम करे तो गड़बड़ और कान्हा करे तो सुधार। अनुचित पक्ष ना ले रही मैं, स्वयं देख ले, मैंने सिर्फ पत्ती बनाई थी, तूने तो उसे मोर पंख बना दियो। सोदा जी, चित्रकारी की कला के साथ साथ अपने लल्ला के भूल छुपाने की कला भी अच्छे से आती है आपको। ये भूल छुपाने की कला ना है, ये बालकों को प्रोत्साहन देने की कला है। कस्तूरी, तनिक लाल रंग और दे। भाभी, लाल फूल तो बस इतने ही थे। मैं कहां से लाती भाभी? लाल फूलों के पौधे बचे ही नहीं, सारे के सारे सूख गए।
को चाह रही थी जब पूरी दीवार सजा दूं, अब जो अधूरी रह जाएगी। तो क्या होगा मैया, हम इस सजावट को वहां जाके पूरी कर लेंगे, क्या ढेर सारे लाल फूल होंगे। मैंने सही कहा ना बाबा? इसके कहने का अर्थ ये है कि जब लाल फूल उग जाएंगे तब हम ये चित्रकारी पूरी कर लेंगे, है कि ना? लल्ला चल, तुझे कछु खिला दूं, आ जा, चल, छोड़ दे जा। समय रहते सूखे का कोई उपाय ना निकालो तो इस सजावट की तरह सब कुछ अधूरा छोड़कर जाना पड़ेगा। आपको गोकुल के बाहर जाना पड़ेगा, उत्तर दिशा की ओर। ये दोनों पथ तो उत्तर दिशा की ओर ही जा रहे हैं, तो मैं किस पथ पर जाऊं? पायल की ध्वनि, ये तो जानी पहचानी लग रही है। सोना, वो गाना तो क्या? नहीं नहीं, अब गाना यहां पर कैसे आ सकता? कहाँ गो? अभी तो यही तुम। काना? काना? महाराज की जय हो। गोकुल से आपके लिए समाचार है महाराज। शुभ है या अशुभ? जो आपके लिए शुभ हो उसे गोकुल वासियों के लिए तो अशुभ ही होना है महाराज। तो शीघ्र बोलो दुर्जन, शुभ कार्य में देर करना अशुभ होता है। गोकुल में भीषण सूखा पड़ चुका है महाराज। निकट के गांव वाले अपने घर और भूमि छोड़कर भाग गए हैं। शीघ्र ही गोकुल में सभी जल की एक एक बूंद के लिए तरसेगी। तुम दोनों मुख क्या देख रहे हो मेरा? स्नान कराओ हमें।
पहचाने दो सारे जल को। बस इसी तरह बह जाएंगे उनके सारे सुख और फिर उनके प्राण। और जल लाओ। और सबसे विशेष बात तो ये है कि उस विष्णु अवतार के वहां होते हुए भी गोकुलवासी जल की एक एक बूंद के लिए व्याकुल है। इसका अर्थ यह है कि उस छलिए में इतना साहस नहीं कि वो प्रकृति के क्रोध का सामना कर सके। ध्यान रहे दुर्जन, गोकुल में कहीं से भी किसी भी प्रकार की कोई सहायता पहुंचनी नहीं चाहिए। देखना रोचक होगा इस समस्या का क्या समाधान करता है। ए विष्णु अवतार। चल डालो, चल डालो। कोई समाधान ना सूझ रहे यशोद, समाधान तो निकालना पड़ेगा ना, वो भी शीघ्र ही। मैं ना चाहता कि हमारे गांव छोड़ने की स्थिति आए। आप चिंता मत ही करो जी, मुझे पूरा विश्वास है श्री नारायण हमारा मार्गदर्शन अवश्य करेंगे। वो हमसे हमारे जड़ हमारी मिट्टी ना छुड़वाएंगे। अपना सारा जीवन यही बितायो है मैंने, इसी गोकुल की मिट्टी में। ऐसे में सब कुछ छोड़ के जाना तो मेरे लिए भी संभव ना होगा। मैया बाबा और अन्य गांव वालों का जुड़ाव बहुत अधिक है यहाँ से। ऐसे तो इन सब के पास और गैयाओं के पास भी भोजन के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तब तो आपको शीघ्र ही कुछ करना होगा प्रभु। आज रात मैं अपना कार्य करूंगा मुरली, और उपनंद ताऊ जी करेंगे अपना कार्य वहाँ। ही तो चाहिए था हमें। इससे पहले कि सूर्यदेव अस्त हो, मुझे स्वयं वहां पहुंचकर जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। केवल कुंडी ना, गांव के कुओं में भी जलस्तर नीचे उतर गया। सारे कुंडों कुओं और जलाशयों की यही दशा है नंदराज। मैं कहां से लाती भाभी, लाल फूलों के पौधे बचे ही नहीं।
सारे के सारे सो गए। कुछ भी करना पड़े, कैसे भी करना पड़े, नंदराज कम खा लेंगे, कम पी लेंगे, बस गांव ना छोड़ना चाहिए। खाना खाना जी, Krishna, Krishna, Hare Krishna, 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 Murali.
अभी नहीं। तनिक बेचारा शेष न है, मैं क्या खिलाऊं गयाओं को। चल चल आपने बुरा स्वप्न देखो क्या? तुमने भी? काना कहाँ चला गया?